कीर्ति यादव इज प्रेजेंट। अरे आप जिसमें जो स्क्रीन पे है उनका मैंने आपका प्रेजेंट लगा दिया है, आप प्लीज बार बार इसमें आप रिपीट करते हैं बोल करके। इससे अच्छा है कि मुझे जो स्क्रीन पे जो बच्चे हैं उन्हीं का मैं प्रेजेंट लगाता हूँ और स्क्रीन पे जो लिस्ट है उसी के अनुसार, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट है तो जरूर इस पे आपका नाम दिखाई देगा, ठीक है। तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि मैं प्रेजेंट पे जो स्क्रीन पे बच्चे हैं उन्हीं का लगाता हूँ, ठीक है, जो लिस्ट में है। एक बार अभी मैं अटेंडेंस लेता हूँ और एक बार मैं लास्ट में अटेंडेंस लेता हूँ, जो लास्ट वाला अटेंडेंस है वो ही फाइनल है। अभी आप देखिए पार्ट 15 नीलकंठ, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा ने ये निबंध लिखा है, इसके राइटर है नीलकंठ पाठ। तो इसमें क्या स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिए और इसको हम पढ़ते जाएंगे। इसमें बहुत अच्छी स्टोरी, आप ध्यान से इसका पूरा जो सारांश समझेंगे स्टोरी, तभी आपको इसके जो प्रश्न उत्तर है इनको कंप्लीट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दिव्यनिगी प्रेजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले नीलकंठ पाठ को जो लेखिका है उनके बारे में भी आपको जानना है, क्योंकि कई बार आपको क्या है ऐसा प्रश्न आता है कि गद्यांश की जो स्टोरी आती है उसमें से पूछा जाता है कि इस पाठ का लेखक या लेखिका कौन है। तो वही चीज आपसे पूछते हैं, तो पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको हर पाठ में याद होना चाहिए। तो महादेवी वर्मा ने ये निबंध लिखा है, तो देखिए आगे क्या स्टोरी इसमें क्या क्या दिया है नीलकंठ पाठ में। नीलकंठ यानी नीला है इसका कंठ, तो हम नीलकंठ महादेव को भी कहते हैं, शिव को भी कहते हैं नीलकंठ। और यहाँ पर नीलकंठ मोर के लिए भी प्रयोग किया गया है, तो नीलकंठ उनका नाम है। तो देखिए आगे, उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। देखिए का बता रही है कि उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी वापस, कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। तो मैं जहाँ पर चिड़िया और खरगोश जो पिंजरे में बंद रहते हैं, जिनको बेचते हैं और लोग अपने शौक के लिए उनको ले आते हैं या शिकार को या कुछ भी काम के लिए जो भी है, तो लेखिका भी वहां पहुंच जाती है जहाँ पर चिड़िया और खरगोशों की दुकान थी। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार दो मोर के बच्चे पकड़ लाया है। जो दुकान वाला है उन्होंने कहा कि पिछली बार आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था, तो शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार जो चिड़िया खरगोश आदि को पकड़ने का काम करते हैं, तो वो मोर के दो बच्चे पकड़ के लाया है। एक मोर है एक मोरनी है, आप पाल लेना, आप पालने के लिए ले जा सकते हैं। एक मोर है और एक मोरनी है, दो बच्चे मोर के जो चिड़ी मार है जो शिकार करते हैं वो लोग जो पकड़ते हैं और बेचते हैं, तो वो ले आया था। तो एक मोर का मोर है और एक मोरनी है, यानी दो बच्चे है। सर आप किस पेज पे पढ़ा रहे हो? हैं? कौन सा? तो मोर के पंजों से दवा बनती है, चिड़ी मार ने दुकान वाले ने कहा कि मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे, आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं, वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। तो इस प्रकार ये जो है उस दुकान वाले ने बात को बड़ा चढ़ा करके क्या है
उस लेखिका से उनको वो बेचना चाहता था, तो लेखिका से कहा बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं, यानी जब वो बोलते हैं तो बोलते ही जाते हैं, सुनने वाला थककर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा। लेखिका कह रही है कि मैंने बीच में उन्हें रोक करके पूछा, मोर के बच्चे हैं? कहा बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, इतना छोटा था कि पक्षी सावक जो बच्चे हैं वो जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े हुए चित्र जैसे लग रहे थे। यानी छोटा पिंजरा था, उसमें दोनों बच्चे घिस रहे थे और उसमें उनका रंग जो है तीतर के जैसा लग रहा था, ब्राउन कलर का। प्रारंभ में मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। जो बड़े मियाँ दुकान वाला है वो बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, ईमान कसम गुरुजी चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। यानी जो चिड़ी मार है उसने मुझे ये 30 रुपए में बेचे हैं। 12 कहा भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुझे क्यों सुनने लगा, मुझे यानी कंजूस, लेकिन वह कंजूस क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। मैंने आपका ख्याल किया कि गुरुजी आएंगे, वो लेखिका को गुरुजी कह रहा था, तो गुरुजी आएंगे और ले जाएंगे। अब आप जो मुनासिब समझे अस्तु, 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौके का चित्र जीवित सा हो गया। तो लेखिका ने 35 रुपये उसको दे दिए, क्योंकि वो दुकान वाला जो बड़ा मियाँ वो तो बड़ा चढ़ा कर बात कह ही रहा था कि चिड़ी मार को मैंने 30 रुपये बड़ी मुश्किल से दिए हैं और आपका नाम लिया पालने के लिए ले जाने हैं, ऐसा करके मैंने चिड़ी मार को 30 रुपये कैसे भी करके दे के इनको खरीदा है। अब लेखिका ने उसको 30 रुपये तो दिए, साथ में 5 रुपये और दिए, तो 35 रुपये में उनको खरीद लिया और अपनी गाड़ी में उस पिंजरे को रख लिया। दोनों पक्षी सावकों की छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है, क्योंकि पिंजरे को जैसे उठाया तो वो छटपटाने लगे क्योंकि डर डर से। घर पहुंचने पर सब कहने लगे लेखिका को, घर पहुंचे जब लेखिका, तो सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया, ये तो तीतर के बच्चे हैं, मोर कहकर के ठग लिया आपको उस दुकान वाले ने, आपको बेवकूफ बना दिया, पागल बना दिया, क्योंकि ये तो तीतर के बच्चे लग रहे हैं, मोर के नहीं है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने के बाद मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। तो लेखिका बता रहे हैं कि अनेक बार मुझे मेरे साथ में ऐसा हो चुका है, इसलिए ये मेरी दुर्बलता भी बन गई है कि मैं कई जगह ठगा जाती हूँ। अप्रसन्न होकर मैंने कहा मोर के क्या सुरखा आपके पर लगे हैं, है तो पक्षी ही, चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवत है उन दोनों पक्षियों की प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। उन लोगों ने मुझे ज्यादा चिढ़ा दिया तो मैं और अधिक उनसे प्रेम करने लग गई, ठीक है, उनको और अधिक प्यार करने लग गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोल दिया, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखवा दिया। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए और लेखिका ने उनको अपने कमरे में क्या है पिंजरे से निकाल दिया और अपने कमरे में छोड़ दिया और वो इधर उधर छिप गए थे, क्योंकि
छोटे छोटे मोर के बच्चे हैं तो डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपना नया बसेरे का गौरव प्रदान किया। लेखिका की जो रद्दी कागजों की जो टोकरी थी उसको उन्होंने अपना घर बना दिया और वहां जाकर वो बैठते थे। ठीक है, दोनों बच्चे कहां जाकर बैठते थे? लेखिका की जो रद्दी कागजों की जो टोकरी है उसमें जाकर उन्होंने अपना घर बनाया। दो चार दिन में इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। अभी वो लेखिका से इतना नहीं डरते थे क्योंकि अभी वो पालतू जैसे होते जा रहे थे, तो कभी उनकी मेज पर आ जाते थे, कभी उनकी कुर्सी पर बैठ जाते थे, कभी कभी तो उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। ठीक है, इस प्रकार दोनों बच्चे जो है मोर के वो अभी क्या है धीरे धीरे उनके पास आने लगे थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजे मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। लेखिका बोल रही है कि मुझे दरवाजा बंद रखना पड़ता था। खुला रखने पर चित्रा, चित्रा यानी मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। तो लेखिका ने और भी कई सारे जानवर पक्षी पाल रखे थे, उनका एक छोटा सा चिड़ियाघर जैसा था। तो लेखिका क्या है दरवाजा बंद रखती थी हमेशा, क्योंकि उनकी जो बिल्ली है पालतू चित्रा वो कहीं इन नवागंतुक यानी नए आए हुए मेहमानों को मार न डाले। और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता ये अनुमान करना ठीक नहीं। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में अरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जरी के लिए ऐसे ही कही जाएगी। तो चित्रा जब ये देखेगी तो यानी वो मेरे पास आएंगे तो उसको बुरा लगेगा, वो चिढ़ेगी। ठीक है, और मेरी मेज पर आएंगे, मेरे पास ये आएंगे तो चित्रा जरूर इनको मार देगी क्योंकि वो इनसे ईर्ष्या करेगी, जलेगी तो इनको मार देगी। वह हालांकि मारती नहीं, वो भी पालतू ही है। आगे देखिए लेखिका क्या कहती है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। दोनों नवागंतुकों के आने से पूरे उस चिड़ियाघर में कौतूहल छा गया जैसे नववधू नई वधू कोई आगे नई कोई दुल्हन हमारे परिवार में आती है और परिवार में एक अच्छा सा माहौल हो जाता है, कौतूहल छा जाता है, उत्सुकता बढ़ जाती है। ऐसे ही उस चिड़ियाघर में ये दोनों बच्चों के जाने पर पूरा कौतूहल छा गया। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगो की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। खरगोश भी बड़ों के जैसे उनको निहार रहे थे, देख रहे थे। खून की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भले भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, ये लेखिका ने उस दृश्य को देख करके कहा है। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे, उनका कायाकल्प वैसा ही क्रम से और रंग में
था जैसा इल्ली से तितली का बनना, मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची चमकीली हो गई। उनके सिर पर जो कलगी निकलती है वो क्या है, थोड़ी सी ऊंची हो गई, सघन हो गई, चमकीली भी हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। उनकी जो चोंच है वो एकदम बड़े मोर के जैसे मजबूत हो गई, पैनी हो गई, टेढ़ी। गोल आंखों में इंद्रेणी की नीलाव धुती झलकने लगी। लंबी नील हरिता ग्रीवा की हर भंगी मां में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। यानी जो मोर है वो पूरा एक तरह से उसकी जो गर्दन है यहाँ पर भी जो है नीले हो गई, वो भी क्योंकि उसमें यहाँ पर नीले बाल आ गए थे उसको, और धूप छाई जैसी तरंगे उठने गिरने लगी। बहुत ही सुंदर लगने लगा वो मोर, क्या है पूरी तरह बड़ा हो गया। दक्षिण बाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो गए। उनकी जो पूंछ है जिसमें चंदुले जो रहते हैं हम बोलते हैं, वो भी बहुत कलरफुल सुंदर लगने लगी। साथ में ही रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, मोर का गर्दन को ऊंची करके देखना विशेष भंगिमा यानी स्थिति पोजीशन के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, जो सुंदरता थी, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, लेखिका उसके उस सौंदर्य को देखकर बहुत ही खुश होती थी, क्योंकि वह बहुत ही जो अभी बड़ा हो गया मोर, तो पूरी जो उसका सौंदर्य वो तो अद्भुत था ही, वो तो लुभावना था ही, लेकिन उसके जो क्रियाकलाप है, ठीक है, अपनी गर्दन को ऊंची करके देखना, तिरछी करके देखना, ठीक है, और पंखों को फैलाना, ये सब उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही आकर्षक लगती थी। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, क्योंकि मोरनी मोर के समान कलरफुल नहीं थी, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंत्र गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। वह हमेशा मोर की साथी बनकर रहती थी, जहां जहां वह जाता वहां वहां उसके साथ में रहती थी, उसकी छाया की तरह वह रहती थी। लेकिन मोर तो क्या है, कलरफुल था, पूरा सुंदर था, लेकिन जो मोरनी है वो इतनी कलरफुल नहीं थी, क्योंकि उसकी तो श्याम और श्वेत ही पंख थे, कलरफुल नहीं थे। आगे देखिए, नीलाव ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। तो जो मोर है उसका नाम क्या रखा गया, नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो राधा नाम क्यों रखा गया, तो जो मोर के जो बच्चे आए हैं उनमें मोर और मोरनी का नाम अलग अलग रखा गया। मोर का नाम तो रखा गया नीलकंठ और मोरनी का नाम रखा गया राधा। और नीलकंठ नाम क्यों रखा गया बताओ बच्चों, मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया, उसकी नीलाव ग्रीवा की वजह से, नीले कलर के प्रभाव की वजह से, उसकी जो ग्रीवा है यार उसकी गर्दन नीली थी, उसकी गर्दन नीली थी, उसकी गर्दन नीले रंग की थी, इसकी वजह से उसकी गर्दन नीले रंग की थी। नीलाव ग्रीवा के कारण, नीलाव ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, नीलाव यानी नीली गर्दन के कारण, और मोरनी का नाम राधा क्यों रखा गया, उसके छाया के समान रहने के कारण, उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम, मोरनी का नामकरण राधा हुआ। हाँ, तो मोरनी का नामकरण क्या है, राधा इसलिए रखा गया क्योंकि वह हमेशा उसके साथ उसकी छाया के समान रहती थी,
क्योंकि उसके साथ साथ रहती थी छाया की तरह, इसलिए उसका नाम राधा रख दिया गया और मोर का नाम नीलकंठ रख दिया गया था। आगे देखिए बच्चों, मुझे स्वयं ज्ञात नहीं, लेखिका बताती है माधवी वर्मा, मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़िया जीव जंतुओं का पहना पटन नियुक्त कर लिया था। तुम ये क्या कर रही हो, दो चुम्मा दे दो बस और कुछ। मृगांक अपना माइक म्यूट कर ले। हेलो मृगांक। हाँ चिल्ड्रन सुनिए, आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा बच्चों लेसन, क्योंकि इसमें पूरी स्टोरी है। जो भी कोई शब्द आते हैं तो मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, धीरे धीरे आगे आपको समझाता जा रहा हूँ। आगे देखिए बच्चों, इसमें जो नीलकंठ है और जो राधा है, जो मोर के जो बच्चे हैं अभी बड़े हो गए हैं, उनका नामकरण भी हो गया है। अब लेखिका बता रही कि मुझे पता भी नहीं कि नीलकंठ कब चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया, यानी वो इतना बड़ा हो गया कि वो उस चिड़ियाघर का यानी जो उनका जो निवास जीव जंतुओं का सेनापति और उनकी रक्षा करने वाला बन गया। सब लोग उसका रेस्पेक्ट करते थे नीलकंठ का, और उसको लीडर बना दिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र करके उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता, यानी सबसे आगे नीलकंठ चलता, सब उसके साथ साथ दाना पानी जहां मिलता वहां चले जाते। हाँ बच्चों, ये पेज नंबर 111 में पढ़ा रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में, और थर्ड पैराग्राफ देखेंगे अभी इसके बाद में। तो वह घूम घूम कर मानव सबकी रखवाली करता रहता, किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचुप्रहार से उसे दंड देने भी दौड़ता, यानी कोई गड़बड़ करता तो उसको वह दंड भी देता था और उनकी रक्षा भी करता था, और वह पूरे उस चिड़ियाघर का सेनापति बन चुका था। कौन? नीलकंठ, जो पहले आया था तो डरा डरा था, ठीक है, डर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो लेखिका बता रहे कि उसने कब अपने आप को वहां का सेनापति बना लिया, मैंने देखा तो मुझे भी आश्चर्य। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, जब तक वे आर्त क्रंदन नहीं करने लगते, उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पहली चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण भेद संस्कार हो जाता था, यानी उनके कान में छेद हो जाता। वह उनको क्या बदमाशी करते थे तो कान पकड़ के उठा लेता था, तो कभी कभी क्या है खरगोश के बच्चों के कान में क्या है छेद हो जाता था, तो कर्ण, इसलिए इसको कहा है कर्ण भेद संस्कार हो जाता था, यानी कान छिदवाते हैं ना हम लोग, कभी कभी छोटे बच्चों के कान छिदवाए जाते हैं, कई लड़कों के भी छिदवाते हैं, लड़कियों के तो छिदवाते हैं, तो कर्ण भेद संस्कार उसको कहते हैं। तो वह नीलकंठ भी कभी कभी खरगोश के बच्चों का कान क्या है कर्ण भेद कर देता था, यानी उनको जो बदमाशी करते वो सैतानी तो कान पकड़कर उठा देता था, तो उसकी चोंच तो बहुत पहनी थी तो छेद हो जाता था, पर वे फिर भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुआ हल्का खेलते रहते थे, यानी छिपा छिपी खेलते रहते थे उसके पंखों के वहीं पर पास में ही, और उनके पंखों में भी छिप जाते थे छोटे छोटे जो बच्चे हैं खरगोश के या और भी जो भी बच्चे हैं, तो वो वहां पर बैठते रहते थे, लेकिन वह किसी को परेशान नहीं करता था। जब ज्यादा कोई शैतानी करता था उसी को कान पकड़ करके उठा देता। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया था। एक बार एक सांप आ जाता है जाली घर में, सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। एक खरगोश का बच्चा क्या है सांप की पकड़ में आ जाता है, देख रहे हैं चित्र में भी, निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था,
शेष आधा जो भार था उससे वह ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। यानी उसका आधा शरीर तो सामने क्या है निकल लिया था, और जो आधा शरीर है उसका मुंह की तरफ, तो वह उससे क्या है बराबर से तेज आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था, ची ची भी नहीं कर पा रहा था। वह नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। नीलकंठ उस समय क्या है ऊपर दूर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर्व से एक झपट्टे में नीचे आ गया। तो नीलकंठ क्या है बहुत अलर्ट रहता था, सचेत रहता था। उसी ने खरगोश की वो धीमी आवाज को सुन लिया और तुरंत अपने पंख पूंछ आदि को संभाला समेटा और नीचे आ गया तुरंत। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। अगर मैं सांप के फन पर चोंच मारूंगा तो खरगोश का बच्चा भी घायल हो जाएगा। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। और सांप को पहले तो उसने पंजों से उसके फन को पकड़ लिया और उसके बाद में उसको चोंच मारी ताकि खरगोश को कोई चोट ना पहुंचे, और उस सांप को उन्होंने अधमरा कर दिया। किसने? नीलकंठ। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु नीचे सा वह वही पड़ा रहा, वह थोड़ा सा घायल हो गया था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि राधा को पता था कि नीलकंठ ही उसका काम तमाम कर देगा, इसलिए राधा बीच में नहीं आई। परंतु अपनी मंद टीका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। लेकिन उसने सब और अपनी आवाज से मंद टीका यानी अपनी धीमी आवाज से सभी को अलर्ट कर दिया। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। लेखिका बता रहे कि पहले माली पहुंचा, फिर हम सब वहां पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के दो खंड कर चुका, दो टुकड़े कर चुका, तब वो शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। उष्णता यानी गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का और स्वभाव देखकर समझ में आ ही जाता है। लेखिका ने बताया कि उस पक्षी का कितना अच्छा स्वभाव है कि उसने उस खरगोश को बचाया और सांप के दो टुकड़े कर दिए, और साथ में ही उस खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों में दुबा कर रखा ताकि उसको गर्मी मिले, उष्णता मिले। तो ये उसके स्वभाव के अनुसार है, इसलिए लेखिका ने कहा कि कार्तिकेय ने भी इसको अपना बहन के रूप में चुना। कार्तिकेय का बहन के रूप में मोर को ही उन्होंने चुना। मयूर कला प्रिय और वीर पक्षी है। लेखिका उसके विषय में और बताती है मोर के बारे में। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, ये हिंसक मात्र नहीं है। इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि बाज चील हिंसक पशु है लेकिन मोर नहीं है। जिनका जीवन ही कुरकर्म है, तो बाज और चील ये क्या है हिंसक पशुओं की पक्षियों की श्रेणी में आते हैं, तो इनको इनका जीवन क्या है कुरकर्म करने वाला है, लेकिन मोर नहीं, ये कलाप्रिय वीर पक्षी है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजता लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य संपर्क ठहर ठहर जाता था। यानी उसका नृत्य जो है वो बहुत ही लुभावना होता था। जब वह मोर नाचता है तो आपने देखा भी होगा बच्चों, आपने भी देखा होगा मोर को नाचते हुए, गांव के बच्चे तो देखते रहते हैं, और यहाँ पर भी आपने देखा होगा कई बच्चे तो मोर को अपने
हाथ से दाने भी चुगाते हैं क्योंकि उनके पास आ जाता है वो, ऐसा डराते, कई लोगों के वहां पर वो डरता नहीं है, घर के छत पे आ जाते हैं और दाने चुगाते रहते हैं। और उनका नाच भी बहुत सुंदर होता है। कई बच्चे हम देखते हैं, हम गांव में थे तो हम दीपावली पे मोर के जो चंदूले हैं उनको इकट्ठा करने के लिए जाते थे, जिसकी पीपल पे बरगद पे जो मोर बैठता था तो सुबह सुबह जल्दी जाते थे ताकि उनके जो पीछे जो चंदूले हैं वो झड़े हुए मिलते थे नीचे, उसमें भी दो तीन क्वालिटी होती थी अलग अलग, एक कटार वाला एक गोल वाला, ठीक है, दो तीन तरह के होते थे। तो कलरफुल वो लेके आते घर से इकट्ठा करते, और जो अपने पशु होते हैं उनके लिए गली में पहनने के लिए गंडा सा बनाते थे उनका मम्मी पापा, तो हम बहुत सारे लेके आते थे इकट्ठे करते थे, 100-100 ऐसे 150-150 ऐसे इकट्ठा कर लेते थे 10-15 दिन तक लगातार दीपावली के समय में जाते थे। तो आपने भी देखा होगा मोर के चंदूले भी देखे होंगे, उनको दाना भी चुगाया होगा, नाचते हुए भी उनको देखा होगा कितने सुंदर वो लगते हैं। आगे देखिए और क्या कहते हैं, लिखिएगा, राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था, यानी वह ताल और लय से वो भी नाचती थी लेकिन नीलकंठ के जैसे नहीं नाचती थी। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, लेखिका बता रही कि नीलकंठ ने कैसे समझ। बच्चों 113 नंबर पेज पर देखिए, अभी 113 पर पढ़ा है। तो लेखिका कह रही है कि नीलकंठ को कैसे पता चल गया कि मुझे उसका नाचना अच्छा लगता है, यानी नीलकंठ का नाचना लेखिका को बहुत अच्छा लगता था, तो नीलकंठ भी ये बात समझ चुका था। तो वह हमेशा लेखिका उसके पास जाती तो वो नाचता था और अपने पंखों को अपनी पूंछ को चौड़ा करके फैला लेता था, ऊंची कर लेता था, तब वह नृत्य करता था। वो बहुत अच्छे ऐसा कंपन सा होता है उसमें, तो उसी तरीके से। तो यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों से, तो सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा। सर, हाँ बच्चों, सर एक डाउट है। हाँ पूछिए पूछिए। सर ये जो लेखिका थी, अरे जो लेखिका थी ये छोटी थी तब ये सारी कहानी लिखी या फिर बड़ी थी तब? क्या क्या सर, ये जो लेखिका है भी इस पाठ में छोटी थी या फिर बड़ी थी? नहीं, इस पाठ में बच्चे बड़ी थी, लेखिका छोटी नहीं थी, ये लेखिका बड़ी थी। और लेखिका ये क्या है, माधवी वर्मा बहुत बड़ी लेखिका है, ये कई सारी रचनाएं करती है, कई सारे रचनाओं को अच्छे जो इनकी जो वास्तविक जो रचना है उनको भी ये जिक्र करती है निबंध के माध्यम से, ठीक है, और कहानियों के माध्यम से बहुत सुंदर रचनाएं इन्होंने की है। महादेवी वर्मा के बारे में हम पढ़ेंगे तो, ठीक है। Okay, sir. इस निबंध में इन्होंने क्या है, जो सच्चाई है उसको एक निबंध के माध्यम से हमें बताया है। और ये इसमें एक जो जीव जंतु है उनके प्रति जो उनका प्रेम था उस वास्तविकता को उन्होंने हमारे सामने रखा, ठीक है बच्चों। Okay, thank you, sir. हाँ, तो ये अभी तो मोर नीलकंठ है उसके बारे में बता रही है। तो ये थोड़ा सा दो लाइन और पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम अपनी क्लास खत्म करेंगे क्योंकि अगली क्लास भी आपकी होने वाली है। ये पैराग्राफ केवल पढ़ लेते हैं छोटा सा। तो पंखों की सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया था नीलकंठ। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य क्रम बन गई है, रोज वह ऐसे नाचता था। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी आप पहुंचता था वहां पर। नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विष्णु विभूत होता था। कई बार विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली, जिस नुकीली पैनी चौंच से वह भयंकर बिस्तर को खंड खंड कर सकता था। उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने
ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और बीच में भी आश्चर्य भी होता था, यानी धीरे धीरे लेखिका के हाथ से वो दाने चुभता रहता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, यानी जो फूल वाले और पल्लवित वृक्ष वो उनको अधिक अच्छे। ठीक है बच्चों, तो आज बस हम इतना ही, अगले हम इसी पैराग्राफ के जो नीचे वाला है वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो ओके सर, बाय।